Assalamu alaikum, Ahmed here. Our first assignment in vacation homework was to answer the questions from the chapter. The name of the chapter is The Ransom of the Red Chief, and I hope you have all gone through the story already, because it will be much easier to answer this question or understand them. Now, the first question is, which part of the United States of America is this story set in? The answer says the story is set in the state of Alabama in the south of the United States of America. Alabama is a state in the south of United States of America. ये वो जगह है जहाँ पर ये कहानी set हुई है actually. The second question says, why did the two men decide to kidnap someone? The answer to this question says, they decided to kidnap someone because they wanted $2,000 to buy some land. अब इस उन्होंने इसलिए इरादा किया किसी को अगवा करने का क्योंकि वो चाहते थे इसके बदले में तावान का मुतालबा कर सकें ताकि वो कुछ ज़मीन खरीद सकें. थर्ड क्वेश्चन सेज, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टम. सवाल में पूछा जा रहा है कि हमें किस हिस्से से पता चलता है कि जिस बंदे को उन्होंने किडनैप करना अगवा करना डिसाइड किया वो इनके लिए टफ क्यों साबित हुआ. तो इसका आंसर वो कह रहा है, द फर्स्ट साइन दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टम इज दैट ही थ्रोज अ रॉक एट द बिल ही थ्रोज अ रॉक एट बिल्स हेड. इसलिए उनको मुश्किल हुई इसको अगवा करते हुए क्योंकि जो विक्टिम था जिसको अगवा करना चाह रहे थे उसने पत्थर फेंका बिल के सर पर. फोर्थ क्वेश्चन सेज, व्हाट वी लर्न अबाउट एबिनेजर डोरसेट. अब इसका आंसर है, वी लर्न दैट द एबिनेजर डोरसेट इज़ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नोन फॉर हिज वेल्थ विच इज़ मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टगेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स. क्वेश्चन ई सेज, What other crimes have Sam and Bill committed? Sam और Bill के और क्या जुराम थे जो उन्होंने commit किए. इसका आंसर है, We are only told about kidnapping the boys here. Maybe उनके और भी क्राइम हों लेकिन स्टोरी में हमें ये सिर्फ यही बताया जा रहा है कि उन्होंने लड़के को अगवा किया. क्वेश्चन एफ है, What do we learn about Johnny Dorsett? Johnny Dorsett के बारे में हमें क्या पता है. Johnny Dorsett is 10 years old, has red hair. Talks a lot, is violent, kicks and bites, has a great imagination and is not popular with the neighbors and he likes camping. अब कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं, उसको कैंपिंग करना पसंद है, ठीक है, वो बहुत वायलेंट है, गुस्सीला है और वो 10 year old है और उसके सुर्ख बाल हैं. क्वेश्चन जी सेज, व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले. जॉनी कौन सी गेम्स खेलता है. ही प्लेज अ गेम इन विच ही इमेजिन ही वॉज अ रेड इंडियन. रेड इंडियन जो थे वो नेटिव थे अमेरिका में, यूरोप को उसको कॉलोनाइज करने से पहले वहाँ की जो नेटिव आबादी थी वो रेड इंडियंस थे, तो इमेजिन किया करता था कि वो एक रेड इंडियन है. क्वेश्चन एस कहता है, व्हाई डिड बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम. तो बिल ने जॉनी को रिलीज़ क्यों कर दिया इससे पहले कि उनके पास तावान आ जाता. लेकिन इसका आंसर ये है, बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड अ रैंसम बिकॉज ही इज़ बीइंग ड्रिवन मैड बाय द बॉय. अब क्योंकि हमें पिछले क्वेश्चन में इसका पता चला कि जॉनी बहुत वायलेंट है तो बिल ने डिसाइड किया कि उसको पहले ही रिलीज़ कर देगा क्योंकि वो उसे तंग आ चुका हुआ था. क्वेश्चन आई सेज, हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम. जॉनी और बिल ने सैम को सॉरी हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम. सैम और बिल जो थे उन्होंने जॉनी को घर तक कैसे पहुंचाया. सैम एंड बिल गॉट जॉनी टू गो होम बाय टेलिंग हिम दैट दे वर गोइंग टू प्ले विद अ न्यू टॉय हिज फादर हैड बॉट हिम. तो सैम और बिल ने इस तरह से कन्विंस किया जॉनी को घर जाने के लिए कि उसके फादर ने उसके लिए एक नया खिलौना खरीदा तो वो मे बी वो उसके साथ खेलना चाहता हो. नाउ द क्वेश्चन जे सेज, व्हेयर डिड बिल से दैट ही वुड गेट टू इन 10 minutes. इज दैट पॉसिबल. व्हाट डज ही मीन. नाउ द आंसर फॉर क्वेश्चन जे इज, बिल सेड दैट ही वुड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर इन 10 minutes. हमें पता है कि कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स एडजेसेंट हैं, बॉर्डर मिलते हैं उनके. तो बिल ने कहा कि वो 10 मिनट के बाद कैनेडियन बॉर्डर के पार होगा. विच इज़ नॉट पॉसिबल. ही मीन्ट दैट ही वुड बी गोइंग एज फार एज अवे एज पॉसिबल टू गेट अवे फ्रॉम जॉनी क्योंकि वो जॉनी से इसके अंदर तंग आ चुका हुआ था कि उसने एज एन एक्सप्रेशन कहा कि वो इस लड़के से तंग आकर कंट्री ही छोड़ देगा और कैनेडा चला जाएगा. ये असाइनमेंट नई कॉपीज़ पर सॉल्व होगी तो अपने पेजेस अकॉर्डिंगली रेडी कीजिएगा. इन क्वेश्चन और आंसर्स का आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं स्कूल से उनका आंसर देख के इसको कॉपी कीजिएगा. थैंक यू. लड़के को अगवा किया. क्वेश्चन एफ है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट जॉनी डोरसेट. जॉनी डोरसेट के बारे में हमें क्या पता है. जॉनी डोरसेट इज़ 10 years old, हैज़ रेड हेयर,
talks a lot, is violent, kicks and bites, has a great imagination and is not popular with the neighbors and he likes camping. अब कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं, उसको कैंपिंग करना पसंद है, ठीक है, वो बहुत वायलेंट है, गुस्सीला है और वो 10 ईयर ओल्ड है और उसके सुर्ख बाल हैं. क्वेश्चन जी सेज व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले, जॉनी कौन सी गेम्स खेलता है. ही प्लेज अ गेम इन विच ही इमेजिन ही हैज ही वॉज अ रेड इंडियन. रेड इंडियन जो थे वो नेटिव थे अमेरिका में, यूरोप को उसको कॉलोनाइज करने से पहले वहाँ की जो नेटिव आबादी थी वो रेड इंडियन थे, तो इमेजिन किया करता था कि वो एक रेड इंडियन है. क्वेश्चन एस कहता है व्हाई डिड बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम. तो बिल ने जॉनी को रिलीज़ क्यों कर दिया इससे पहले कि उनके पास तवान आ जाता, लेकिन इसका आंसर ये है बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड अ रैंसम बिकॉज ही इज़ बीइंग ड्रिवन मैड बाय द बॉय. अब क्योंकि हमें पिछले क्वेश्चन में इस चीज़ का पता चला कि जॉनी बहुत वायलेंट है, तो बिल ने डिसाइड किया कि उसको पहले ही रिलीज़ कर देगा क्योंकि वो उसे तंग आ चुका हुआ था. क्वेश्चन आई सेज हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम. जॉनी और बिल ने सैम को सॉरी हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम. सैम और बिल जो थे उन्होंने जॉनी को घर तक कैसे पहुंचाया. सैम एंड बिल गॉट जॉनी टू गो होम बाय टेलिंग हिम दैट दे वर गोइंग टू प्ले विद अ न्यू टॉय हिज फादर हैड बॉट हिम. तो सैम और बिल ने इस तरह से कन्विंस किया जॉनी को घर जाने के लिए कि उसके फादर ने उसके लिए एक नया खिलौना खरीदा, तो मे बी वो उसके साथ खेलना चाहता हो. नाउ द क्वेश्चन जे सेज वेयर डिड बिल से दैट ही वुड गेट टू इन 10 मिनट्स. इज दैट पॉसिबल, व्हाट डज ही मीन. नाउ द आंसर फॉर क्वेश्चन जे इज बिल सेड दैट ही वुड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर इन 10 मिनट्स. हमें पता है कि कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स एडजेसेंट हैं, बॉर्डर मिलते हैं उनके, तो बिल ने कहा कि वो 10 मिनट के बाद कैनेडियन बॉर्डर के पार होगा. विच इज़ नॉट पॉसिबल, ही मीन्ट दैट ही वुड बी गोइंग एज फार एज अवे एज पॉसिबल टू गेट अवे फ्रॉम जॉनी, क्योंकि वो जॉनी से